तो क्या चीज का केस है आज पता चल जाएगा हम लोग पे कि दूसरा केस किस चीज का। पुलिस वाला दो आदमी पर दो केस कर दिया, मतलब एक ही गाड़ी का दो केस हो गया है। उसी की जो नीतू है ये है, उसमें भी इसका वारंट कट कर इसी लम को बना वो वाला इसका गवाही देने 7 तारीख को देंगे उसको गवाही। ये जमानत का पेपर बन गया दोस्तों, देख सकते हैं। बाप रे, बहुत मेहनत करना पड़ा जमानत पेपर बनाने। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अच्छा स्वस्थ होंगे दोस्तों, देख सकते हैं धूप निकल चुकी है हमारे तरफ। बाप रे वो क्या कर रहा है गुल्लू, देखो दिखा भी नहीं सकते दोस्तों। पैंट खोल के आया और यहाँ पर सुसु कर दिया। काय क्या रहे सुसु, हाँ काय क्या तुम सुसु यहाँ पास बताइए। घर दुघारी पर ही कर देता दोस्तों। तो दोस्तों अभी मौसम एकदम क्लियर हो गया है, मतलब क्लियर उतना नहीं हुआ दोस्तों, कल धूप निकल गया है, देख सकते हैं मरकटहा धूप है। तो अभी आपको तो पता ही है कि हमें जाना है कोर्ट, अभी हम कोर्ट निकलेंगे दोस्तों। इतना जरूरी हो गया, पता नहीं जाएंगे ना दोस्तों, फिर आएगा वारंट फिर हमारे अंदर, तो मेरे को जाना जरूरी है। बाबा फोन आ रहा कि आई आई बोला पानी छूट गया है, क्योंकि थाना से भी फोन आ रहा कि पेपर जमा करना होगा आपको अरेस्ट वारंट वाला, अगर कोर्ट से बना कर नहीं देंगे तो फिर हम वही करेंगे, अपना कार्यवाही करेंगे, यही बोल रहे हैं सब। तो हम सोच रहे कि चलते हैं, अपना काम उधर से कोर्ट से करा लेंगे, तो फिर अगर बारिश आया तो फिर घर पे ही रह जाएंगे दोस्तों। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, नंदनी भी जाएगी, बोल रही है जाएगी। क्या करेंगे यहाँ, हम अकेले रह के बकरी चराएं, यहाँ बकरी चराए बोलते हैं, कुछ है भी नहीं कि नंदनी चराएगी। जाएंगे वहाँ, बाकी आपसे तो जानवर करते कितना ये करता है, पैसा का नाम पे तो बहुत पैसा लग जाता है। हम जाएंगे तभी केच केच में से ही। चलिए अभी मौसम क्लियर हो गया दोस्तों, तभी हम लोग निकलेंगे। तो तैयार तो हम लोग है ही, हम बस ऐसे ही निकलेंगे, इसको थोड़ा तैयार कर मौसी घर में छोड़ दीजिएगा। हाँ तैयार कहाँ रहेगा, मौसी घर में ठीक रहता है, वहाँ खेलता भी मामू मामू करते रहता है दिन भर। अच्छा बाल तरह झाड़ देगा ठीक, चिट्ठी 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 काट लेगा, वो खोटा है वो काट लेता है, वहाँ पे रबर ठेलाइए जल्दी झाड़। तो क्या चीज का केस है आज पता चल जाएगा हम लोग पे कि दूसरा केस किस चीज का हुआ है हम लोग पर, क्या सब पता करेंगे वकील से पूछ के। हम बहुत परेशान दोस्तों, एक केस खत्म हो रहा है और दो दो केस आ जा रहा है हमारे पास, इसलिए तो इतना पैसा भी बर्बाद हो रहा है दोस्तों। सोचते हैं कुछ ले, एक नाक में लेने के लिए सोच रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, मगर देने के लिए वही क्या करेंगे दोस्तों, नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी ना देखने का मन नहीं करता। फिर भी कहाँ कहाँ से केस आ जा रहा है ना, एक केस खत्म किए थे दोस्तों जो माका था, तो कितना मुश्किल से वो खत्म हुआ, फिर एक गाड़ी का हुआ, आप देखिए फिर एक आ गया किधर से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको, देखिए हट। तो चलिए दोस्तों तभी हम लोग निकल रहे, रेडी हो गए, सभी निकलेंगे जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया है, पानी छूटने का इंतजार करते करते दोपहर हो गया दोस्तों। चप्पल नहीं पहना उसको वाला, चप्पल नहीं ऐसे चलो, उसको ऐसे ले चलो, ये वाला चप्पल पहनो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पहनो, ये नहीं पहनेगा। सब रहीस के तो है, सब रहीस है दोस्तों हमारे घर में, हम क्या करें बताओ, सैंडले पहनेगा, देखिए ना अपने से निकाल रहे हो, देखे निकाल लिया, चल जा। तो पहनो अपने से, पहना अपने से, अब निकाल रहे दोस्तों। नंदनी देखिए एक झोला कपड़ा ले लिया है, जो मतलब ना दोस्तों सबका ना सिलाई निकल गया है, तो वो वही सिला देंगे। एक है लेडीज दोस्तों, उसी रास्ता में वही देते हुए निकलेंगे हम लोग, को छोड़ दिए उसकी मासी घर और यहाँ आए हैं, और पैसा तो था नहीं हाथ में, तो जो है दोस्तों यहाँ से भी निकाल रहे हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, कभी निकालिएगा ना, पैसा तो है नहीं इतना ज्यादा नहीं है, तो एक निकालेंगे, एक में भी तेल भी भराना है, गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया है, तो ही भराएंगे, तेल है कि नहीं गाड़ी में, गाड़ी में तेल भी नहीं है, अप एंड डाउन हो गया ना दोस्तों, इतना बार गया ना तो तेल नहीं डलाया था, बस एक ही दिन डलाया था, 100 रुपये का तेल तो इतना दिन चला, अब पैसा निकाल ही लेते, निकल गया। देखिए दोस्तों 1000 निकला है, 1000 में अभी देखिए तेल भराएगा और उनको जो कोर्ट में है तेल खत्म हो गया, तो वही अभी तेल भरवाएगा, कितने का भरवाएंगे दोस्तों। गाड़ी में इधर से तेल भी डलवा लिए और यहाँ से हम लोग निकलते हैं सीधा कोर्ट दोस्तों, और देखिए अब जो पैसा बचा हुआ है, अभी 800 बचा हुआ है, और हम 500 देंगे दोस्तों बोलेंगे, और 800 हम अपने हाथ में रखेंगे, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। गाड़ी आसे जी लगा दिए हैं और कटाया असली पैसा का रसीद कर दे, गाड़ी का कटवा लीजिए दोस्तों, गाड़ी का भी स्लिप करता है पैसा,
10 रुपया देंगे उधर सही है तो। चलिए रहने दीजिए अंकल आप है ना, चलिए अब अंदर चलते दोस्तों, कोर्ट यहीं पे है देख सकते हैं। गेट नंबर 3 से जाना है ना, लेकिन यहाँ पर चेकिंग कर, चलिए तो चेकिंग हो गया हमारा, क्या लेके आएंगे हम, कुछ परेशान है तो लेके जुआ केसरी भी नहीं ला सकते हैं, कुछ नहीं आता अंदर, खेली उन्हीं सब वही पकड़ा जाता है, सब हंसी आ जा रहा पता है। चलिए अब चलते हैं, अब आदत हो गया। हाँ आदत क्या है नंदिनी को ना, कोर्ट आते आते आदत हो गया, कहाँ चेकिंग कराना कहाँ क्या कराना, आदत हो गया, अब क्या करेंगे, रोक रोक के तो हालत अब नहीं होने का मन करता है, अब जो होना है तो होके रहेगा, खुशी खुशी ही रहेंगे। चलो अब वकील से मिलते हैं, देखिए क्या बताता है हमें, कहाँ हमारा ला देख रहे हैं, हम लिख के रखा हुआ, लिख के रखे हैं हमारे का पूरा लफड़ा है जो है ना, ये वो इतना वहाँ से दिया था थाना से, ये देखिए कागज है, देखिए कैसे ये पेपर थाना वाला, बैठना खड़े मत रहो, ये देखिए ये वाला दिया था, देखिए थाना से दिया था, परेशान हो गया 1932, कौन सा केस है समझ ही नहीं आता, कैसे हो जाएगा, एक ही केस तो डबल ट्रिपल, क्या समझ नहीं आ रहा ना, क्या चीज का गाड़ी का है, गाड़ी का दो केस, हम कहा केस करेंगे, हमने की बार एफ आई आर किए, एफ आई आर कॉपी भी हमारे पास, नंबर क्या है कहाँ, इसमें कोई केस नंबर 7221 है, तो ये भी तो सब 21 का ही है सब, जितने भी है। और हम तेलुगु थाना में तो कभी नहीं दर्ज कराए क्या, हाँ तो तेलुगु भेज कैसे चला गया, तेलुगु का तेरा एड्रेस है, हाँ ये तो लिखा हुआ, हम खुद ही लिखे हैं यहाँ पर, एड्रेस मेरा तेलुगु का लिखा हुआ था, आशीष कुमार शर्मा लिखा, उसमें पकड़ाया था सोनू सेन, सोनू सेन अच्छा चोर, और इसमें आशीष कुमार शर्मा है, इसमें पकड़ाया सुजल उर्फ बोटे, कौन कौन है देखो, अलग अलग आदमी को, तो एक ही केस को 2-3 आदमी पे चलाएगा, दो आदमी तो क्या करेंगे, हम 10 को केस कैसे, अब ये वो केस का 10 को डेट आएगा तो आदमी नहीं, सब परेशान हो जाते ना, सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है, डेटेड डेट है, हर दो केस का एक आदमी दो केस, गुल्लू का बर्थडे से एक दिन का पहले, कैसे कैसे क्या करेंगे बर्थडे का दिन, हमें बताए ना हम क्या करेंगे, बर्थडे का दिन तारीख है दोस्तों, कोर्ट में बताइए, कल 2 तारीख
एसपी की तरफ से टेस्ट है कि ना वारंटी पार्टी होता है ना एक कोर्ट वाला कागज मिला कि इसको जमा इसके बाद जो वारंट आया वो हम लोग कोर्ट वाला चिंता जी अभी इसको बनाना कागज है दूर रहना है हम तो कुछ नहीं कर पाते कौन ये वो खत्म करने से पहले दो आ जाता है ना तो क्या करेगा आदमी परेशान नहीं होगा ये सब केस है दोस्तों झूठ मूठ का केस है देख रहे इसमें 7 तारीख को दिया हुआ है चलिए तो इसका करते हैं गाड़ी का ही केस है पुलिस वाला दो आदमी पर दो केस कर दिया मतलब एक ही गाड़ी का दो केस हो गया है उसी के लिए हमको इतना दौड़ना पड़ रहा है वरना इतना परेशानी नहीं था पैसा लग गया देना तो पड़ेगा उनका भी तो बोलते हमको भी तो थोड़ी हम वो जमा करना पड़ता है कागज यही सब क्या कर सकते महीना मतलब हफ्ता में 2 बार आना पैसा देना कहाँ से अभी अभी हाल ही में आया था तुम लेके फिर आया फिर दो फिर एक गाड़ी का दो केस सोच रहे हम तो बोलते हैं कि इनको देने के लिए कैसे और मेरे को एक चीज़ खरीदने के लिए मेरे पास नहीं होता क्या करेंगे यहाँ देना पड़ेगा नहीं देंगे तो कोई काम नहीं चलेगा देखिए टाइम लगेगा पेपर वेट कर लेते हैं हम लोग पेपर मिलेगा तो पेपर ले जाके इनको थाने में भी जमा करना होगा उसके बाद कुछ होगा रखेंगे खाली ये ला जमा करना है ये ला चलिए ले तो पेपर बन गया देख सकते हैं वाला फोटो कॉपी हम लोग रखेंगे ये जमानत का पेपर बन गया दोस्तों देख सकते हैं बाप रे बहुत मेहनत करना पड़ा जमानत पेपर बनाने के लिए और एक 22 तारीख होगा ना महीना में दो के 2 तारीख है इस बार चलो दोस्तों हमारा काम तो हो गया है बन गया है जमानत का पेपर हम लोग बना लिए हैं अब तिलको थाना में जाके जमा करना है बस क्या जमा करना पड़ेगा और 7 तारीख को आना भी पड़ेगा 7 तारीख को डेट तो 7 तारीख को आएंगे इसके बाद फाइनल डेट है देखिए क्या होता है उस दिन लगेगा 1600 बाप रे और फिर 22 तारीख को लगेगा 1600 फिर अभी दिया हमने 600-700 अभी दिए हो गया समझ लिए इस बार 5000 का खर्चा 6-7 हज़ार रुपये खर्चा हो ही गया और पहले खर्चा वो जो अलग इतना में तो पता नहीं हम बोले भी हमको देखे नाक में नहीं बना हुआ तो बोलते हैं कि मैंने छोड़िए दोस्तों जो होना हो के रहेगा तो खुद ही परेशान है जिंदगी से हम तंग आ गए बोले तो देखे बोले तो कुछ नहीं होने वाला था तो रोने से भी कुछ नहीं होगा जो होना वो होके रहेगा इसलिए हम लोग अपना जो हो रहा होने देते हैं आराम से रहते हैं कोई दिक्कत नहीं क्या वो रो के दिमाग खराब हो जाएगा चलिए तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ये है गुल्लू यहाँ बॉल खेल रहा है गुल्लू के लिए जलेबी लेके आई नंदन मन किया ना तो ले लिए 20 रुपए का लिए तो ले बेटा मीठा खाओ और उसको तो घाव है एक तो ज्यादा नहीं ले बेटा मत दो उसको घाव हो गया है बेकार में खाने में तो माहिर है जलेबी तो पता क्या खा रहा था क्या किसमें तो भर मुंह खाता है एकदम एक एक मुट्ठी लेता है हरिया कहाँ गई है नहीं क्यों डलाई थी मेरी लेबी नहीं है दो आप इतना देखिए नसीब में मेरा इतना ही लिखा हुआ है ज्यादा चढ़े ही तो 3-4 निकल रहे अंजलि जी जा रही है ट्यूशन गुल्लू भी तैयार हो गया जाएगा घर बेटा खुल जाएगा खेल लिया जो एक आध घंटा खेलना था चलते हम लोग चले दोस्तों हम लोग पहुँच गए खोली अम्ब्रेला लाया कि नहीं आया जी पानी लग रहा ना आए चालू छोड़ के कल से पानी नहीं आया और आज पता नहीं घर खोलिए खोल खोलिए जल्दी पानी नहीं आ रहा मत उठा बेटा उसको मत उठा पापा गाड़ी अभी लगाएंगे पूरा ना गाड़ी का स्टैंड पूरा धस जाता है चलो रहने दो चलो
अब अपना घर आ गया ना दोस्तों, राहत हो गया। अब नेता पानी गिरे दोस्तों, जमा फोन के ना थाना में तो पेपर बोले कि उसका अब जितने जो 7 तारीख को रिकॉल मिलेगा ना ओला पेपर चाहिए। अगर जो ओला पेपर अगर जो हम लेके जो थाना से दिया था ना दोस्तों पेपर, अगर जो लेके डायरेक्ट जाते ना तो वहाँ पे बोलता कि आगे ये नहीं किया है तो तुमको ये करवाना पड़ेगा ना जी। मतलब वारंट वाला चीज जो था ना उसको कटवा दिए हैं, अब फिर तारीख पे जाना है और उस दिन फिर पता नहीं जो होगा तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इतना टेंशन लेने से मेरा कुछ तो होगा नहीं, अब टेंशन लेने ही हम बंद कर दिए क्या जी। कुछ नहीं होने वाला, देखिए केस है दोस्तों, केस है दोस्तों। और सोचिए वो भी झूठ मूठ का केस, अभी एक केस नहीं एक गाड़ी पे दो दो केस है। माथा खराब हो गया हमको महीना में दो बार जाने का, तो कोई तीन चार बार हो गया दोस्तों। अब क्या कर सकते, जो किस्मत में है वो है। और वकील बोल भी रहे थे तुमको यहाँ का रोटी खाना ही पड़ेगा, जब तक है जब तक खाओ क्या जी। मतलब कोई बात नहीं, रोटी कहाँ खाते हैं, खिला के आ जाते हैं, खाते नहीं है वहाँ पे, सिर्फ हैरानी होने जाते। चले दोस्तों अब अपना काम वाम करते हैं, हम भी थोड़ा सा हाथ पैर धोते हैं उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं। लेकिन बारिश तब तक के लिए छुटा हुआ था, अब देखिए बारिश भी चालू हो गया, बेचारे वो भी ना भींग जाए जाते जाते। अभी चालू हुआ बारिश है तो टिप टिप मतलब गिर रहा पानी, देख रहे आवाज आ रहा है, बारिश बारिश ना बेटा, ये बारिश 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 देख के बारिश बारिश याद आता है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हम काफी थक गए, थोड़ा सा जा रहे रेस्ट करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय कर दो बेटा, नहीं बारिश में नाचेगा, ये घर चल घर चल घर चल पानी में गिर, बाय बोलो बाय बोलो बाय बोलो।